काउंटर्स में भी आज अच्छा मोमेंटम तो है, यहाँ कुछ स्टील प्राइसेस के एक्सपोर्ट ड्यूटी के रोल बैक और रिव्यू की भी बातचीत लगातार चल रही है, जो सेंटिमेंट को एक इट इज गिविंग सम विंस टू दिस पूरा पैक, दिस होल पैक. आपको कुछ दिखते हैं यहाँ ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप स्टील पैक में? जिंदल स्टील तेज है, इसके अलावा हिंडाल्को, वेदांता, एल्यूमिनियम काउंटर्स तेज हैं, क्या मेटल्स पे कोई ट्रेड समझ आ रहा है आपको? दो स्टॉक्स की तरफ मैं जिक्र करूंगा. पहला तो रहेगा जिंदाल स्टील, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, वीकली फॉर्मेशन पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग के बाद. सो यहाँ पे 382 के सपोर्ट रहेंगे एक बार के लिए, 415 तक के लेवल के लिए. उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है टाटा स्टील में शायद एक दो दिन में मोमेंटम बनेगा, जो चार दिन का रेंज बाउंड बायस है वो अब ब्रेकआउट की तरह तब्दील होगा. स्टॉक का ऑलरेडी 10:1 में स्प्लिट हुआ है और बेस ऊपर की तरफ बन रहे हैं, पिछले चार दिन से 105 के बेस बन रहे हैं, 105 सपोर्ट रहेगा, 111 और फिर 118 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे. जिंदाल स्टील और फिर टाटा स्टील पे हम फोकस करेंगे पॉजिटिव बायस के लिए. टाटा स्टील तो जब से स्प्लिट हुआ है 92 या 91 के लेवल से लगातार आपको तेजी दिखा रहा है, मोमेंटम दिया, 17-18 रुपए आपको सिर्फ मुश्किल से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही मिल गया है, तो ये तो अच्छा मूव है. लेकिन इसके ऊपर 118 तक के लेवल टाटा स्टील पे चंदन देखते हैं, चंदन ये कुछ स्ट्रेट्स जो हैं जो मुझे दिख रहे हैं, मेरे रडार पर आ रहे हैं, पर आपकी हाई कन्विक्शन कॉल्स कौन सी होंगी जो आपके रडार पे आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि वीकेंड पे लेके कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जिनको? एक आपने इंडिगो को जिक्र किया, वो भी हमें अच्छा लग रहा है, तो इन्फोसिस एक हमारी तरफ से ट्रेड रहेगा. यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, डेली चार्ट पे आप देखोगे मल्टीपल डेज के हाई यहाँ पे निकले हैं, लॉन्ग के बिल्टअप है, निफ्टी आईटी यहाँ पे फोकस में भी है, तो इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे. 1585 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1675 के टारगेट रहेंगे. उसके अलावा आप दूसरे ट्रेड सेटअप की बात करें तो आईसीआईसी बैंक पे हम फोकस करेंगे, तो आईसीआईसी बैंक भी यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है, 815 के सपोर्ट से ऊपर में 865 तक के लेवल बनेंगे. तो यहाँ पे इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक दो काउंटर है जो हमें कन्विक्शन के हिसाब से समझ में आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट. ठीक है, कुछ और दूसरे काउंटर्स भी देख लेते हैं जहां पर आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है. अभी फिलहाल एलएमडीसी ये तो अच्छा चल रहा है, आईईएक्स, एनएमडीसी, क्या यहां शॉर्ट कवरिंग और रैली और बढ़ सकती है, क्या यहां कोई पोजीशन ले सकते हैं? सबसे पहले एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी है और बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 110 तक के लेवल के ऊपर ये होल्ड कर रहा है. मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं पिछले लगभग 35 दिनों में ये 110-111 के ऊपर टिकता नहीं है और आज हिसाब से टिका है, थोड़े शॉर्ट कवर बन सकते हैं, तो 107-50 के सपोर्ट रहेंगे 116 तक के लेवल के लिए एनएमडीसी के लिए. तो ये काउंटर आपके रेडार पे रहना चाहिए, पॉजिटिव बायस यहाँ पे एनएमडीसी में बन सकता है. कॉनकॉर्ड पे क्या व्यू रहेगा आपका चंदन? 3% तेज है ये भी, जब चाल मूव दिखाता है, इसके भी एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर है जिसकी वजह से ये मूव दिखा रहा है, लेकिन दिखाता है तो लंबाई मूव दिखाता है, 3% तेज है इस वक्त. और ऊपर के लेवल से जो 3 दिन में डिक्लाइन हुआ है वो वापस एक खरीदारी के मौके दे रहा है. 3 दिन में आप देखोगे 734 से लेके 673 तक करेक्ट हुआ है और आज पॉजिटिव बायस हुआ है वापस, तो ऐसा लग रहा है कि बेस बन चुका है, 680 का सपोर्ट हुआ करेगा और 3 दिन पे लेके जो स्विंग आई है 720-735 वहां तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए.